नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को करेले के एक नए रेसिपी बनाने के लिए बताने जा रही हूँ। खाने में बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, इसे बड़े तो बड़े बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 करेला, इसे मैंने छील लिया है, छील के इसे हम काट लेंगे। ऐसे इसे पतले पतले इसे काटेंगे, इस तरीके से इसका बीज ऐसे निकाल देंगे और इसे रख लेंगे। देखिए मैंने सारे करेले को काट लिया है, का बीज हटा लिया है। हम एक बाउल लेंगे, इसमें करेले को डाल देंगे। करेला डालने के बाद हम इसमें 1/3 कप बेसन डालेंगे, उसके बाद हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। अब इसे मिला देंगे चम्मच से। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे, पानी ज्यादा ना डाले, इसे इतना ही डाले कि मिल जाए। ये देखिए करेले के ऊपर बेसन अच्छे से मिल चुका है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। ये गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दिया है। ये देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम करेला को डालेंगे धीरे धीरे करके। ये देखिए हमारा करेला अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे धीमी आंच पे फ्राई करें ताकि करेला अच्छा से पक जाए। इसे निकाल ले। ये देखिए हमारा करेला फ्राई हो चुका है। इसे आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।